की, जहां करनाल जिले के कृष्णा नगर में घरेलू झगड़े और पति से तंग आकर पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जी हां, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला अस्पताल में भेज दिया है। साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी अनुसार करनाल के कृष्णा नगर में रहने वाली प्रियंका नामक एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। फांसी के फंदे पर लटकी मिली महिला की लाश को देखकर परिजनों के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। जी हां, मृतका के परिजनों ने पति पर अपनी पत्नी से मारपीट और रोजाना उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है। घटना के बाद से मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के परिवार वालों का कहना है कि उसका पति पैसों की डिमांड को लेकर अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था, जबकि वह पहले भी 50,000 रुपए ले चुका था, अब और पैसों की मांग कर रहा था। परिजनों ने बताया कि लड़की की 4 साल पहले लव मैरिज हुई थी। बहरहाल घटना की सूचना मिलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। क्या नाम था इसका? प्रियंका नाम था जी। हाँ जी जी, मैरिज हुई थी इसकी सन्नी के साथ, नरेंद्र कामरा के साथ। बस जी, निजी मतलब घर का मामला था जी, दहेज के लिए परेशान करता था हर बारी, कहता था बार बार पैसे ले गया, बस उससे तंग आकर इसने ये ऐसा काम, गलत काम उठा लिया, बस फांसी ले लिया। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी अपनी कार्रवाई कर रही है, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक पुलिस अपनी कार्रवाई आगे भी करेगी। आप क्या लगते हैं? मैं उसका ब्रदर हूँ। कब का मामला हुआ, कैसे पता लगा आपको? रात को जी कॉल आई थी उसकी, मेरे पास 8:30 बजे इसने फांसी ले लिया। मैं मित्र के साथ फादर भी गए थे, फिर हमने मौके पर पुलिस की टीम बुला ली थी, बाकी कार्रवाई होने आते। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।